वैशाखी पर चलने वाले मधेपुरा सदर क्रोध। चंद्रशेखर विधायक मधेपुरा को जाप, युवा नेता दुर्गा यादव का करारा जवाब। जरूर सुने पप्पू यादव जी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलत बयानबाजी करने वाले मधेपुरा सदर के निकले विधायक चंद्रशेखर यादव के खिलाफ जाप, युवा नेता दुर्गानंद उर्फ दुर्गा यादव का बयान। मधेपुरा से विकास कुमार की खास रिपोर्ट। संवेदनाएं हैं, पप्पू यादव जी के साथ है। इसी समय में जिस समय में पूरा देश की संवेदनाएं पप्पू यादव जी के साथ है, तो उस समय पप्पू यादव जी के गृह जिला, पप्पू यादव जी के जो क्षेत्र है, वहाँ के सदर विधायक, जिसको हम लोग बेशर्मी की नजर से देखते हैं, जिसको हम लोग तरवे चाटने के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर यादव जी। जब पप्पू यादव जी को इस वक्त साथ देना चाहिए उसको, चंद्रशेखर यादव जी को इस समय में वो अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव जी के विरोध आज पटना पहुंचकर चंद्रशेखर यादव जी पप्पू यादव के जी के विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें डाकू मवाली गुंडा अपराधी कहते हैं, जबकि पूरा बिहार उन्हें गरीबों के मस्याद के नाम से पुकारने लगे हैं, रॉबिन हुड के नाम से जानने लगे हैं, और ये चंद्रशेखर यादव जी अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर यादव जी आपसे, आप बार बार समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद होता क्या आपके हिसाब से? क्या आपके हिसाब से पप्पू यादव जी के विरोध बार बार विरोध करना ही समाजवाद होता है? जब पप्पू यादव जी के विरोध ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही समाजवाद होता है? क्या एम्बुलेंस चोर को बचाना ही समाजवाद होता है? क्या वोट बैंक की राजनीतिक करना ही समाजवाद होता है? या अपने आलाकमान को कुछ करना ही समाजवाद होता है? आखिर समाजवाद होता क्या है? एसी रूम में बैठना ही समाजवाद होता है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या बयानबाजी करना ही समाजवाद होता है? आखिर समाजवाद होता क्या है? आप बार बार समाजवाद की बात बोलते हैं, जिस समय में पप्पू यादव जी को सबकी साथ की जरूरत है, उस समय में आप बिहार की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि पप्पू यादव गुंडा है, पप्पू यादव अपराधी है। ये चंद्रशेखर यादव जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वही 2005 में जब आप सदर मधेपुरा सदर से विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, उस समय अपने पोस्टर पे आप पप्पू यादव जी एवं रंजीता रंजन जी के फोटो लगाकर आप जनता के बीच जाकर बार बार कहा करते थे, हे हमारे मधेपुरा की महान जनता, मैं हनुमान पप्पू यादव राम, पप्पू यादव जी राम है, मैं उनका हनुमान हूँ, मैं उनके हृदय में बसता हूँ, आप हमें वोट दे, आप हमें वोट दे या पप्पू यादव को वोट दे, बात बराबर होगा, मैं पप्पू यादव जी का सेवक हूँ, ये कहते कहते आप थकते नहीं थे, पप्पू यादव जी के हृदय में बसने वाला हूँ, ये भी कहते कहते आप नहीं थकते थे, तब जाकर आप जनता के बीच वोट मांगने जाते थे। उस 2005 में जब आपको कोई नहीं जानता था, जिस समय पप्पू यादव जी ने आपको पहचान दिलाई, आपके नाम को रोशन करवाया, उस समय आप पप्पू यादव जी के हृदय में बसने वाले अपने आप को हनुमान कहते थे, पप्पू यादव जी को राम मानते थे, और दूसरे पप्पू यादव जी को आप ओछी ओछी गाली देते हैं, आप गंदी बंदी बैलबाजी करते हैं, आप गुंडा मवाली करते हैं। आप जिस समय पप्पू यादव जी के साथ आपको होना चाहिए था, उस समय आप ओछी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। क्या आपसे पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर यादव जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पप्पू यादव जी के लिए किए, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप राजीव प्रताप रूडी के गिरफ्तारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? या मैं मान लेता हूँ आपको तेजस्वी यादव जी ने कहा पप्पू यादव जी के विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्या आपके पार्टी आला कमान या इस बात का मानते हैं, क्या वो आपको ये नहीं कर सकता था, ये गाइडलाइंस नहीं दे सकता था, कुछ राजीव प्रताप रूडी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आंदोलन करो, मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखो, जैसे भी हो इस एम्बुलेंस चोर को गिरफ्तार करवाओ, क्या इसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं थे? जब पप्पू यादव जी गिरफ्तार हो जाते हैं ऐसे समय में, जिस समय में बिहार के तमाम नागरिकों को, बिहार की तमाम जनता को पप्पू यादव जी की सख्त जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होते हैं, जब पप्पू यादव उनकी उम्मीद पे खड़े उतर कर हर घर खाना भी पहुंचाने का काम करते थे, हर हॉस्पिटल दवा